नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री वीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा क्वेश्चन होता है कि घर पे होते हैं तो एनीमा कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो कैसे ट्रैवलिंग में भी एनीमा यूज करें। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज ट्रैवलिंग एनीमा। तो ये जो है वो ट्रैवलिंग एनीमा पंप बोलेंगे इसको, ये पॉट नहीं है, ये पंप है, क्योंकि इसको प्रेस करने से एनीमा का पानी जो है वो हमारे शरीर में जाता है। तो उसके लिए ये जो ब्लैक कलर की नोजल आती है वहाँ पे ये कैथेटर भी हम साथ में ही देंगे, तो ये कैथेटर है वो लगानी है। उसके साथ में ये जो पूरा का पूरा पोर्शन का एंड होता है वहाँ पे छोटा सा होल होता है, तो वहाँ पे काटना नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है। लेकिन ये जो दूसरा एंड है उसको क्या करना है, तो बाथरूम में आप कहीं पे भी एनीमा करते हो तो बाथरूम में टब होता है, तो ऐसा जो बाल्टी के साथ टब आता है उसके अंदर ये जो आगे वाला पोर्शन है वो इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर पानी भर देना है, और ये जो पोर्शन है वो हमारे शरीर के मल द्वार में लगा देना है। उसके बाद ये जो पंप आएगा वो पंप को ऐसे प्रेस करना है, ये जैसे जैसे प्रेस करोगे वैसे वैसे टब का पानी है वो खाली हो जाएगा और टब का जो पानी है वो हमारे शरीर में आ जाएगा। जब तक पानी अंदर चढ़ाना है तब तक इसको प्रेस करना है, जितना प्रेस करोगे उतना पानी अंदर जाएगा। फिर जब हमारा पूरा इंटेस्टाइन पानी से भर जाएगा, फिर उसके बाद जो एनीमा की जो ये कैथेटर आती है, ये कैथेटर को शरीर के अंदर से मल द्वार से निकाल के फिर हमें कमोड़ पे बैठ के लेटरिन कर देनी है। ये एनीमा पॉट ट्रैवलिंग में बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाइप है कैथेटर उसको निकाल के अलग रख देंगे और ये जो पोर्शन है उसका छोटा सा छोटे सा स्टोर करके हमारी बैग में कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं। तो ये एनीमा ट्रैवलिंग में बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई कई लोगों को ऐसा होता है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जब जाते हैं तो पानी चेंज होता है, वातावरण चेंज होता है, खुराक चेंज होता है, तो कब्ज की प्रॉब्लम आ जाती है। कब्ज की प्रॉब्लम हो या ना हो, एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बीमार हो तो भी एनीमा करना है, अगर आप स्वस्थ हो तो भी एनीमा करना है। एनीमा का फायदा ये है कि आप कभी भी कर सकते हो, आपके पास 24 आवर्स का टाइम है, 24 आवर्स में आप एनीमा कभी भी कहीं पे भी आप कर सकते हो। ट्रेन में हो तो भी कर सकते हो, आप होटल में हो तो भी कर सकते हो, आप घर पे हो तो भी कर सकते हो। ये जो है वो छुपाने की चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिससे हमारी शरीर जो है वो बहुत ही स्वस्थ रहता है। तो वैसे तो आप घर पे होते हो तो ये एनीमा का पॉट जो हम रखते हैं या वो आप यूज कर सकते हो। ये एनडीएस हेल्थ सेंटर का हमारा एनीमा पॉट है, इसको कैसे करना है इसकी भी मैंने 8 वीडियो बनाई है। तो एनीमा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतनी सारी हमने यूट्यूब की मेरी चैनल डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर ये हमारी चैनल पे इतनी सारी वीडियो रखी है। तो इसमें ये जो पॉट है वो लोगों को ले जाने में ट्रैवलिंग में बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो इसके लिए हमने ये एनीमा पंप निकाला है। तो ये जो पंप है वो अगर आपको लेना हो तो मेरा फोन नंबर यही है 9824317955। अगर आपको हमें फोन करना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फोन कीजिए। अगर आपको एनीमा पॉट मंगवाना हो
तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां से भी आप परचेस कर सकते हो। या तो आपको कुछ पूछना हो तो यही मेरा नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये बहुत इजी मेथड है, आप कहीं भी कर सकते हो, कितने बजे भी कर सकते हो, खाने के पहले कर सकते हो, खाने के बाद भी कर सकते हो, खाते खाते भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एनीमा करने का कोई समय नहीं फिक्स है। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, कभी भी एनीमा करना बहुत जरूरी है। कब्ज का मुख्य कारण ये है कि हम चाय पीते हैं, मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं, मिल्क की प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारा पेट जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कम खाते हैं तो भी वजन रुकने का नाम ही नहीं लेता है, तो वजन कम करना हो तो भी एनीमा हमेशा लेना चाहिए। कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि बाहर जाते हैं तभी बाहर के पकोड़े, बाहर की पकोड़ी, बाहर का नाश्ता, पिज़्ज़ा, पास्ता और फिर पकोड़ी, फिर इडली, डोसा, बर्गर, ये सब खाते हैं, तो इसकी वजह से कब्ज हो जाता है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी बाहर जाए हमारे साथ फ्रूट को साथ में रखे, या कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ से फ्रूट खरीद ले, कहीं से भी हम सलाद की व्यवस्था कर ले। आजकल तो अच्छी अच्छी होटल में सलाद की भी प्लेट बना के हमें देते हैं, तो पंजाबी खाओगे, चाइनीज खाओगे, या फिर गुजराती थाली खाओगे, साउथ इंडियन थाली खाओगे, या काठियावाड़ी थाली खाओगे, कोई भी थाली खाओगे, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाओगे, तो ये जो पकाया हुआ भोजन है इसकी वजह से कब्ज हो जाती है। कब्ज की वजह से बीमारियां आती है। इतनी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए हम दवाइयां लेते हैं, दवाइयों की साइड इफेक्ट होती है, मेडिकल का खर्चा होता है, डॉक्टर्स का खर्चा होता है, रिपोर्ट निकालने का खर्चा होता है, ये सारे खर्चे से अगर हमें बचना है तो कहीं पे भी जाए तो ये ट्रैवलिंग एनीमा पंप है वो साथ में रखना है। इसके साथ पॉट नहीं आता है, बाथरूम में जो भी टबलर है उसको ही यूज करना है, इसीलिए इसको पंप बोलते हैं। तो ये जो है वो बहुत इजी मेथड है, तो इसका आप हमेशा बाहर जाइए तो, वैसे तो लोगों को ऐसी आदत होती है कि सबसे पहले ढेर सारे कपड़े लेते हैं, ढेर सारा नाश्ता लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि जब भी हमारी बैग तैयार करते हैं लगेज की, तो सबसे पहले एनीमा पॉट को रखना है, फिर उसके बाद कपड़े रखने हैं, और फिर हमें कहीं पे भी ट्रैवलिंग में जाना है। इंडिया के बाहर जाते हो, इंडिया में जाते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाते हो, अगर आपके पास एनीमा पॉट होगा, आपको डायरिया हो गया हो, बुखार आ गया हो, वॉमिटिंग होती हो, कुछ भी हो, तो इमरजेंसी में आप एनीमा करके स्वस्थता प्राप्त कर सकते हो। सारे रोगों की जड़ है हमारा पेट, क्योंकि हमारे पेट में हमने गलत चीज डाली है, पकाया हुआ मृत भोजन डाला है, इसकी वजह से हमें बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, टीबी, थायराइड, माइग्रेन, अस्थमा, वेरिकॉन वेन्स, इतने सारे रोग होते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही कम दाम में, मतलब सस्ते दाम में मिल जाएगा, और इसको आप हर रोज भी यूज कर सकते हो, कभी कभी भी यूज कर सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये करने से बहुत ही फायदा है। तो बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क करिए। अहमदाबाद के नारायणपुरा में NDS हेल्थ सेंटर है मेरा, मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे आप आ सकते हो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। आपको अगर हमारा एड्रेस चाहिए तो यही नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारा एड्रेस आप मंगवा सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।